तालियां हो जाए अनिल मित्रा जी के लिए। इस सभा कक्ष में बैठे विद्वान जन और ज्योतिष और ज्योतिष से संबंधित अन्य विधाओं में रुचि लेने वाले समस्त श्रोतागण और यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं जिन्होंने आश्चर्यजनक रूप से जैस्मिन जी के निर्देशन में जो ज्ञान प्राप्त किया है और जो ज्ञान प्राप्त करने की राह में अग्रसारित हुए हैं, इसके लिए एक तरफ तो जैस्मिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनके प्रयास के लिए, दूसरी तरफ इन बच्चों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मान्यवर, विषय तो बहुत है, ज्योतिष और ज्योतिष से संबंधित विभिन्न विधाओं एक अथाह सागर है। अगर एक लाइफ में कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं ज्योतिष की विधाओं का ज्ञानी हो गया हूं, तो शायद ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी। कई जिंदगियां लग जाती हैं, ये व्यक्ति का प्रारब्ध ही होता है जो ज्योतिष की तरफ उसको आकर्षित करता है। दो तीन चीजें मैं कहूंगा बहुत ज्यादा। एक तो जो मेरा बेसिक टॉपिक है वो है क्लॉक टाइम प्रिडिक्शन, बिल्कुल ज्योतिष से हटके छोटे से सिंपल सा फार्मूला है, उसके बारे में एक नोट भी है। मैं सुनील से कहूंगा कि वो नोट अगर सबको बांट दें, तब तक मैं थोड़ी सी और बातें कर लेता हूं। यहां पर सबसे पहले न्यूमरोलॉजी की बात चालू हुई, बच्चों ने चालू की। हमारे वैदिक शास्त्र में सबने पढ़ा होगा कि नंबरों में नंबर 108, इसका अपना एक विशेष महत्व है। मैं क्योंकि साइंस का विद्यार्थी हूं, एमएससी फिजिक्स, एमबीए, पीएचडी और पिछले 26-27 साल से ज्योतिष से संबंध रहा हूं, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है कि लिखा जरूर है लेकिन उसका लॉजिक क्या है, क्या उसका कोई आधार है। बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारी डेफिनेशन दी, शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो मैं समझ में आया, 108 एक ईश्वर, आध्यात्मिक परिभाषा बता रहा हूं, एक ईश्वर, 0 अनंत और 8 शक्ति, ये अनंत में समाये ईश्वर की शक्ति का द्योतक है। चाहे 108 माला जपें, 108 दाने जपें, वो अलग बात है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, 108 के ऊपर ही एक बहुत बड़ी बहुत छोटी सी मेथड है। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने इस्तेमाल की, इसलिए मैं बताया, याद भी है मुझे। किसी व्यक्ति की अगर कोई वस्तु खो जाए, ज्योतिष के हिसाब से तो बहुत सारे तरीके हैं जानने के, बताने के। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उस व्यक्ति से आप अनुरोध करिए कि 101 से लेके 108 के बीच में कोई भी संख्या का ध्यान कर ले, कोई भी नंबर का, और वो नंबर उनसे पूछिए कि किस नंबर का आपने ध्यान किया, उस नंबर को 9 से डिवाइड कर लीजिए, और 9 से डिवाइड करने के बाद में जो भी शेषफल बचता है, 1 से 8 तक बचेगा। न्यूमरोलॉजी में 1 से 8 तक अंकों को एक विशेष ग्रह से संबद्ध किया गया है, चाहे 1 सूर्य से हो, 2 चंद्रमा से हो, 8 शनि से हो, तो जो शेष फल है उससे संबद्ध संबंधित ग्रह की विशेषता के आधार पर इसका आकलन किया जा सकता है, और होता है कि खोई हुई चीज मिलेगी, कब मिलेगी, नहीं मिलेगी,
और कहाँ होगी, कहाँ होगी उस ग्रह की उसकी कुंडली में स्थिति के अनुसार। अगर चार से रिलेटेड तो घर में मिलेगी या नहीं तो बाहर मिलेगी। ये बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं। ये दो चीजें मैंने देखी हैं अपने विगत 25-26 साल के अनुभव में कि बहुत सटीक भेजती है। तो नंबरोलॉजी भी अपना एक विशेष स्थान है। तीसरी बात नंबरोलॉजी के बारे में जरूर कहूंगा, हम लोग, मैं नंबरोलॉजी नहीं करता, ना मैंने पढ़ी, ना टैरेट, ना ये, मैंने बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में ही उत्सुकता वश इंटरेस्ट लिया कि भाई ये पंडित लोग छोटे छोटे चुटके देख के क्या बता देते हैं, ऐसा जो सही भी निकल जाता है हम भी देखें। तब हमने इसमें पढ़ना चालू किया और बेसिकली मेरा इंटरेस्ट रिसर्च में ज्यादा है वनस्पति प्रेडिक्शन करने का। सवाल ये उठता है कि नंबरोलॉजी की बात कर रहा था, डेट ऑफ बर्थ से नंबर निकालते हैं, चाहे वो कंबाइंड नंबर हो या जो भी नंबर हो, डेट से हो, दिन महीना और साल को जोड़ के हो, जो भी हो, मैं ज्यादा नहीं जानता नहीं। लेकिन दो चीज क्यों छोड़ देते हैं, सारी एनालिसिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से निकाल देते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के साथ उस डेट में दुनिया में लाखों व्यक्ति पैदा हुए होंगे 24 घंटे में, क्या सबका पर्सनैलिटी या सबका भविष्य एक जैसा होगा? क्या हम मान सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो करोड़ों अरबों लोग हैं उनको आप नॉट भागों में डिवाइड कर दीजिए, एक भाग के सब एक जैसे, दूसरे भाग के सब दूसरे जैसे? मुझे तो नहीं लगता। अब मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि भाई कोई जीवात्मा एक स्थान पर जन्म लेती है किसी पर्टिकुलर तिथि में, दिनांक में, और किसी पर्टिकुलर समय में। तो दिनांक तो हो गया, आजकल सीजेरियन वगैरह करा के पेरेंट लोग दिनांक भी अपने मन मुताबिक रखना चाहते हैं, होता है नहीं होता है वो बात अलग है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। उसका स्थान और वो समय, समय भी छोड़ दीजिए, स्थान, क्या इस बात की शोध की आवश्यकता है? अभी सुनने के बाद मुझे लगा कि उस स्थान का जो लॉन्गिट्यूड है या लैटिट्यूड है उसकी कोई अहमियत है या नहीं, क्या वो उसके अंक शास्त्र से कोई संबंध, कोई रिलेशनशिप रखती है या नहीं रखती है? लैटिट्यूड का नंबर लॉन्गिट्यूड का नंबर जोड़ के देखिए, क्या वो नंबर जो टोटल आता है वो बर्थ नंबर से मित्र होता है या नहीं होता है? और होता है तो क्या होता है, उसके जीवन में क्या होता है, कैसा फील होता है? तो आवश्यकता इस बात की है कि इन नंबरोलॉजी को और अधिक एडवांस स्टेज में बढ़ाया जाए। मैंने सुना है भारतवर्ष में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, मेन, चाहे कैलाश पर्वत से ले लीजिए और चाहे रामेश्वरम तक ले लीजिए, वो सब एक ही लॉन्गिट्यूड पे है। मतलब उस लॉन्गिट्यूड पर विशेष एनर्जी, ऊर्जा पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है जिसका लाभ उठाने, अपनी शारीरिक ऊर्जा को उससे क्या कहते हैं, समर्पित तो नहीं कहूंगा, कैटलिटिक एजेंट की तरह काम करता है, उसको जागृत करके हम लोग इन धार्मिक स्थानों का दर्शन करने जाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड उसकी भी नंबरोलॉजी होनी चाहिए कहीं। मैं बेसिकली ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैं उसका सीईओ हूं और फाउंडर ट्रस्टी हूं। ये इंटरनेशनली एक्रेडिटेड और सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक एस्ट्रोलॉजिकल साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है, एस्ट्रो, जिसमें इस ट्रस्ट की तरफ से हम लोग
यथावत यथासंभव जो मूल शोध अध्ययन में करना चाहते हैं उनको वित्तीय सहायता और अन्य सहायता फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तत्पर है, देते आए हैं। शोध अध्ययन की जरूरत है। हम लोग आज सब लोग बोलते हैं हमारे वेद ग्रंथों में 5000 साल पहले ये लिखा था, लिखा था। हमसे 500 साल बाद वाले कहेंगे अरे यार कब तक 5000 साल का गाना गाते रहोगे, तुमने क्या किया, तुमने कोई शोध किया? आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग भी उस शोध, कुछ लोग, मैं ये नहीं कि 100% शोध की तरफ अपना नजरिया होना चाहिए। वही आगे चल के आगे की जनरेशन जो ये बच्चे बैठे हुए हैं इनको एक दिशा दिखाएगा। ये तो हो गया शोध का, छोटा सा और समय लूंगा। पहले क्लॉक टाइम पे आ जाता है। क्लॉक टाइम प्रिडिक्शन बहुत छोटा सा मेथड है। किसी भी समय किसी भी स्थान पे कोई भी व्यक्ति अगर आपसे, आप चाहे एस्ट्रोलॉजर हो या ना हो, कोई सवाल पूछता है, उस समय का डिजिटल टाइम नोट कर लीजिए, आवर और मिनट, सही होना चाहिए, आवर और मिनट। मान लीजिए, मान लीजिए इस समय 12:50 लगभग है, 12:50, तो आवर्स हो गए 12 और मिनट हो गए 50। 12 का नंबर जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 1 और 2 3, और 50 का जोड़ लीजिए, 5 और 0 5। आप देखेंगे जो आवर्स का नंबर है वो उस व्यक्ति के सवाल को दर्शाता है, दर्शाएगा उसके मन में क्या है, किस भावना से प्रेरित होके इसने ये सवाल पूछा, क्या चाहता है, ये आवर्स की नंबर बताएगा और मिनट के नंबर उसका आंसर बताएगा, होगा नहीं होगा, इसकी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, होगी कि कब होगी, वो प्लेनेट नंबर्स के प्लेनेट मैंने पहले बता दिया था। एक डिटेल राइटअप भी आपके पास है, उसको पढ़ लीजिएगा। समय तो मैं प्रोफेसर आदमी हूं, इनसे क्षमा चाहूंगा, क्लास में बिगर ज्यादा बोले मन नहीं मनता है, इसलिए ये तो क्लॉक टाइम प्रिडिक्शन है। इसमें डिटेल में एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप देख लें, कोई अगर क्वेरी हो कोई हो, नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी आशु भाई ने शनि के ऊपर कहा, थोड़ा सा जिक्र किया कि कोई जातक या कोई आदमी पूछने आता है तो भाई गोचर देख लें, 100% सही। अब वो गोचर जातक को ही नहीं अफेक्ट कर रहा, एस्ट्रोलॉजर को भी कर रहा है। एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है, ये ग्रहों का गोचर उसको भी कर रहा है। अपने को हम लोग देखते नहीं और जातक को देखने लगते। ऐसे भी लोग, ऐसे भी मैंने देखे हैं एक्सपीरियंस कि लोग किसी भी कारणवश एस्ट्रोलॉजर के टेस्ट लेने जाते हैं, टेस्ट देखे। दो एग्जांपल मुझे अभी भी याद है अपने 26-27 साल की लाइफ में। एक तो मेरा स्टूडेंट कई साल बाद मेरे घर पे आया, लखनऊ में था मैं, बोले सर एक चीज जाननी है। मैंने बताओ बेटा कि हाँ मेरी शादी कब होगी। मैंने देखा, मैंने कहा यार इसकी शादी तो 2 साल पहले हो चुकी। मैंने कहा तुम्हारी शादी तो 2 साल पहले हो चुकी होनी चाहिए। बोले नहीं सर मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कब होगी, वो अपनी बीबी को घर लेके कब आऊं, मैं घर वालों को कब बताऊं कि शादी हो गई। कई लोग होते मरे व्यक्ति के लिए आते, सब बताइए इसका क्या होगा। अरे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, उनके घर में कुत्ता पैदा हुआ पिल्ला, उसके लिए आए टाइम, बताइए इसकी शादी कब होगी, क्या करेगा, इसको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी।
सही है। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर गोचर के वक्त पंडित जी की कुंडली में सप्तम भाव में शनि गोचर कर रहा है, इसका मतलब उनका फलित, उनका ऑब्जर्वेशन और उनका समय सही नहीं चल रहा है। उसको बताना नहीं चाहिए, उसका टेस्ट हो रहा होगा। और अगर नहीं भी हो रहा होगा तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कहीं ना कहीं गलती होने की पूर्ण संभावना है। तो सबसे पहले सुबह उठ के गद्दी पे बैठने से पहले, ऑफिस में बैठने से पहले हर एस्ट्रोलॉजर को अपना उस दिन का गोचर अपनी कुंडली के हिसाब से जरूर याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना? बहुत जरूरी है। ये दो तीन चीजें ऐसी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और अगर समय परमिट करे एक छोटा सा फार्मूला आप बता दूं, हम किसी को पंडित जी को दिखाने जाते हैं, मैं उनको क्षमा चाहता हूं, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। पंडित जी पूछते हैं ये लड़के की कुंडली है लड़की की? अरे भाई मेरा जैसा अगर साइंस का विद्यार्थी है, अरे पंडित जी आप ही बता दो ये लड़के की है कि लड़की की। पूछने से क्या मतलब? अब लड़के की है कि लड़की की, इस बात को निकालने में 90% पंडित पसीना आ जाएगा। ट्राई करके देख लीजिएगा कभी भी। और जो 10% बताएंगे वो भी कई घंटे कैलकुलेशन करेंगे, लैपटॉप सिस्टम से करेंगे, तब जाके कहीं बताएंगे लग्न के सब लॉर्ड से और फलाने से और कहाँ है कहाँ नहीं है केपी के हिसाब से। सिंपल फार्मूला समझ लीजिए, अप्लाई करिएगा जरूर। मैं ये नहीं कहता हूं कि सही है, ये भी शोध है। मैंने तो 100 से ज्यादा कुंडलियों पे लगाया और 99% सही निकला। किसी भी व्यक्ति के कुंडली में लग्न जिस राशि में है, सूर्य जिस राशि में है और राहु जिस राशि में है, उस तीनों राशियों का नंबर, मान लीजिए लग्न तुला राशि में 7 नंबर, सूर्य मान लीजिए 6 से मान लीजिए कि सिंह राशि में 5 नंबर, राहु मान लीजिए 2 सिंह राशि में 2 नंबर, 7 और 5 और 2 14, इसको 3 से भाग कर लीजिए। और 3 से भाग करने के बाद में अगर 0 और 1 अवशेष बचे तो वो लड़की की कुंडली होगी, और अगर 2 अवशेष बचे तो वो लड़के का होगा, सीधी सी बात। और अगर लग्न में ही सूर्य या राहु है तो सूर्य या राहु दोनों में से एक किसी की राशि का जोड़ लीजिए और लग्न का जोड़ लीजिए और 3 से भाग कर लीजिए और निकाल लीजिए 0 है 1 है 2 है, उससे आपको बहुत अच्छा अंदाजा लग जाएगा। ऐसा खिलाफ की बात नहीं है, बिल्कुल 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 सही कह रहे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल। ये देखिए मोटा मोटा सूत्र है, मोटा मोटा सूत्र है, आप लगा के देखिएगा जरा, अपनी कुंडली पे लगा के देखिएगा, अपनी पत्नी की कुंडली पे लगा के देखिएगा, जुड़वा बच्चे हैं उनके कुंडली पे, हर रूल के कुछ रेयर पार्ट मिलते हैं। अब आप D60 पे जाए तब आपको मिलेगा कि 2 मिनट के अंतर पे पैदा हुए बच्चों का लड़का है कि लड़की। मैंने तो D600 तक देखा, D600 डिविजनल चार्ट में 600 तक, लेकिन टाइम तो एक्यूरेट होना चाहिए। अब टाइम में भी बहुत दिक्कत होती है, बच्चे पैदा होने का टाइम क्या है, जब पहले बार क्राई किया, पहले बार नाल कटी, पहली बार सांस ली पृथ्वी के ऊपर, क्या इसमें भी लोगों में मतभेद है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप परेशान ना हो, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे और अपने ऑडियंस से भी, आपका मैंने बहुत बहुत समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।